Good morning, students. How are you? I feel you are well. Today I taught some problems related to parallel lines. इसमें पहला क्वेश्चन हम बतला रहे हैं आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल 14, जिसमें आपका यह क्वेश्चन है कि टू प्लेन मिरर्स एम एंड एन, टू प्लेन मिरर्स एम एंड एन आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर. क्या है तो ये एम और एन दो प्लेन मिरर है, ये एक दूसरे के पैरेलल है. रे ए बी इस पर लाई करता है और रिफ्लेक्ट हो रहा है. ए बी सी और यहां से फिर यह रिफ्लेक्ट हो रहा है डी. ठीक है, रे ए बी इज इंसिडेंटेड ऑन द फर्स्ट मिरर एम. It is reflected twice and emerges in the direction CD. Proof that AB parallel CD. हमको यही प्रूफ करना है. यहां पर देखिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 है आर एस अग्रवाल का. आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल 14 क्वेश्चन है पैरेलल लाइन से रिलेटेड. क्वेश्चन क्या है उसको फिर से सुन लीजिए कि एम एंड एन आर टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड इन सच ए वे दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब एम पैरेलल एन के. गिवन में क्या है, गिवन में है कि एम पैरेलल एन, मिरर एम पैरेलल मिरर एन. अब ए बी एक इंसिडेंट रे है जो मिरर एम पर लाई करता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स बी सी, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी सी. दिस रे स्ट्राइक विथ मिरर एम विच इज पैरेलल टू मिरर एम एंड देन बी सी रिफ्लेक्ट बैक इन द डायरेक्शन सी. मतलब क्या हुआ उसको समझ लीजिए कि ए बी एक इंसिडेंट रे है जो एम पर आके टकराता है और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वह मिरर एन से भी वह टकरा रहा है, मिरर एन पर जाके मिलता है. यहां से फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद वह सी डी के डायरेक्शन में मूव कर जाता है. तो हमको प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी के. अब यहां पर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं. और तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया एन नॉर्मल, यहां पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें. ये हो गया एम डैश. ठीक है, अब आप देखिए कि सी एन प्रूफ में क्या लिखेंगे.
कंस्ट्रक्शन में दे देंगे पहले, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर एम एंड सी एन डैश परपेंडिकुलर एन। अब प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ में ए बी पैरेलल सी, ये प्रूफ है। तो प्रूफ में क्या लिख रहे हैं वो देखिए कि एम पैरेलल एम एंड बी एल परपेंडिकुलर एम एंड सी एन डैश परपेंडिकुलर एम एन। सो बी एन पैरेलल सी एन डैश होगा, इसलिए कि ये यहां भी यदि इसको हम फर्दर प्रोड्यूस कर दें तो ये 90 डिग्री यहां बना रहा है परपेंडिकुलर है तो, और ये पैरेलल इसके है तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है। अब यहां पर यह भी आपको 90 डिग्री बना रहा है तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो बी एन पैरेलल सी एन डैश। बी एन पैरेलल कैसे हो गया एक बार फिर सुन लीजिए, हमने कहा कि सी एन परपेंडिकुलर एन, ठीक है, मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यदि इसको हम फर्दर प्रोड्यूस कर दें और यह मिल रहा है यहां पर, क्योंकि एम पैरेलल एन के है दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है एम पैरेलल एन, तो ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ लाइंस आर पैरेलल, तो एम और एन पैरेलल है इसलिए ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये यदि 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब यह 90 डिग्री हो गया और यहां पर यह बी एन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ही है कंस्ट्रक्शन में, बी एन परपेंडिकुलर एम के है, तो हम ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों का सम 180 डिग्री, तो इस लाइन को इसके पैरेलल बी एन के पैरेलल कह सकते हैं या नहीं, मतलब बी एन पैरेलल सी एन हो जाएगा। अब समझ गए। अब आप देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यू नो दैट एंगल आई बराबर एंगल आर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर होगा, तो जब ये बराबर इसके यदि इसको हम एक्स मान लें तो ये भी एक्स, समझिए केवल इसको यदि हम एक्स मान लें तो ये भी एक्स, तो ये क्या हो गया पूरा 2x के बराबर होगा कि नहीं। अब ये लाइन पैरेलल है इसके, ये एक्स तो ये भी एक्स, और ये बराबर इसके तो ये भी एक्स, तो आपका मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल ए लेट एंगल ए बी एन बी एक्स, सो एंगल सी बी एन इज ऑल्सो एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब नाउ बी एन पैरेलल सी एन डैश, सो एंगल सी बी एन इक्वल टू एंगल बी सी एन डैश अल्टरनेट एंगल्स, हेंस
एंगल बी सी एन डैश इक्वल टू एक्स ऑल्सो. नाउ अगेन एंगल बी सी एन डैश इक्वल टू एंगल डी सी एन डैश एनडैश बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन. सो एंगल डी सी बी बराबर टू एक्स एंड एंगल ए बी सी बराबर टू एक्स. हेयर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. सो ए बी पैरेलल सी बी इसको देख लीजिए. जिस समय लिख रहे हैं उस समय उतारिए मत, नोट नहीं कीजिए, एकदम माइनोटली देखते चलिए कि सर क्या लिख रहे हैं. चूंकि आप देख रहे हैं कि सर केवल लिखते ही नहीं है, उस समय बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, इसलिए ध्यान यहां होना चाहिए फिगर पर. एक बार फिर देख लीजिए कि अब इसको ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल हो गया. तो आप जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसको यदि हमने x मान लिया तो ये भी x, तो ये पूरा दोनों एंगल मिला के क्या हो गया, तो 2x. तो ये पूरा आपका हो गया ए बी सी बराबर 2x. अब बी एन पैरेलल सी एन के है, प्रूफ किए थे यहां बी एन पैरेलल सी एन डैश. तो ये एंगल बराबर किस एंगल के होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल. तो एंगल एन बी सी बराबर बी सी एन डैश, ये x बराबर ये x और ये बराबर, ये यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यदि इसको हम इंसिडेंट रे मान लिया तो ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये x तो ये भी x, तो ये बराबर इसके. अब यहां पर दोनों एंगल का सम हो गया 2x, इस दोनों का सम हो गया 2x, तो ये बराबर इसके, मतलब ए बी सी बराबर बी सी डी के अल्टरनेट एंगल इक्वल. सो लाइंस आर पैरेलल, समझ गए. दूसरा क्वेश्चन है, इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल इज रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल अनदर एंगल देन सो दैट द टू एंगल्स आर The two angles are either equal or supplementary, either equal or supplementary. Either equal or supplementary. देखिए अब यहां पर इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल इज रिस्पेक्टिवली पैरेलल, ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 15 है, ये आपका आर एस अग्रवाल का ही अग्रवाल का है.
एग्जाम्पल 15 है। क्वेश्चन क्या है कि इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल, जैसे मान लीजिए कि एक एंगल ये है ए बी सी, ये एक एंगल यह है। इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल इज रिस्पेक्टिवली पैरेलल, मतलब आर्म्स ऑफ अनदर एंगल, एक दूसरा एंगल ऐसे है, ये है, इसका नाम दे दिए पी क्यू आर, ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके। ये पैरेलल इसके ये दिया हुआ है। केस एक के सम पहले इस पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल इज रिस्पेक्टिवली, ऐसे हो सकता है कि ए बी पैरेलल पी क्यू के और बी सी पैरेलल क्यू आर के, तो हमको प्रूफ करना है कि या तो यह एंगल इक्वल होगा या सप्लीमेंट्री होगा। तो पहले देखिए कि होगा क्या, तो ये एंगल इस, यदि ये लाइन पैरेलल है ए बी पैरेलल पी क्यू के है, इफ केस फर्स्ट, फिगर वन चाहे केस फर्स्ट, ए बी पैरेलल पी क्यू एंड बी सी पैरेलल क्यू आर, देन एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी एक्स सी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा अगेन एंगल पी एक्स सी अगेन बी सी पैरेलल क्यू आर, सो एक्स सी पैरेलल क्यू आर, एंगल पी एक्स सी इक्वल टू एंगल एक्स पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर देख सकते हैं क्यों, यहां पर भी दे दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये हो गया। आपको क्या कह रहा था कि आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, तो इक्वल तो हो गया एक कंडीशन में, इक्वल हो गया। अब दूसरे कंडीशन में देखिए, एंगल एबीसी और दूसरा है आपका, जहां भी ये पैरेलल इसके
और ये पैरल इसके है दिया हुआ, इसके दिया हुआ। ये हो गया केस सेकंड, केस सेकंड। अब इसमें देखिए क्या होगा कि ये पैरल इसके है, ये एंगल एंगल वन बराबर एंगल टू के होगा, और फिर बीसी पैरेलल पीक्यू के है तो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री के। यहां पर आप कहेंगे हेयर ए बी पैरेलल क्यू आर, सो एंगल वन बराबर एंगल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, फर्स्ट इक्वेशन। फिर अगेन ई सी पैरेलल पी क्यू, सो एंगल टू बराबर एंगल थ्री अल्टरनेट एंगल्स, इक्वेशन सेकेंड। Hence, by equation first and second एंगल वन बराबर टू के, टू बराबर थ्री के, तो वन बराबर थ्री, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, ये भी प्रूफ हो गया कि इक्वल हो गया। इस दोनों केस में एंगल्स आर इन बोथ केसेस एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए सप्लीमेंट्री का भी कोई केस है क्या, उसको भी देखते हैं। सप्लीमेंट्री का भी केस हम लोग देखते हैं, तो अब इसको मिटाते हैं। चाहे यहां पर देखिए एक फिगर हमारा ये बना, ए बी बी सी, ठीक है। ए बी सी और दूसरा फिगर ई क्यू आर, यहां पर भी ए बी पैरेलल पी क्यू एंड बी सी पैरेलल क्यू आर इसके है। अब हम यहां पर क्या देखेंगे, केस थर्ड, एंगल वन बराबर एंगल टू के होगा कि नहीं। ऐसे कर दीजिए ए बी पैरेलल पी क्यू, सो एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, देख रहे हैं। अब बीसी अगेन बीसी पैरेलल क्यू आर चाहे आर क्यू, सो एंगल टू बराबर एंगल थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब एंगल टू के जगह पर यदि इसमें हम एंगल थ्री पुट कर दें बाय
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल टू बराबर एंगल थ्री। हेंस हियर एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। देख रहे हैं यहां पर एंगल क्या हुआ, तो सप्लीमेंट्री हो गया। इस तरह से यदि ये क्वेश्चन होगा कि आपको इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल इज रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल सो दैट द टू एंगल्स आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, तो उसका जो जो कंडीशन हो सकता है उस सभी कंडीशन पर आपको बना के दिखाना। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए इसको बनाना जरूरी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है और आनंद अग्रवाल का ही एग्जाम्पल नंबर 13। इसलिए हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सरसाइज बनाने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल 14, यहां पर ये एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री और ये दिया हुआ है 25 डिग्री। तो फाइंड करना है एक्स। क्वेश्चन है इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल बी ए इन गिवन फिगर एंड एंगल बी ए बराबर 105 डिग्री एंगल ए सी इक्वल टू 25 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इक्वल टू एक्स डिग्री देन फाइंड एक्स। एक्स निकालना है, अब इसको कैसे बनाएंगे। यहां पर देखिए आप इसको सीई को हम फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां देखिए ऐसे ये आपका लेट कीजिए कि एफ पर मिला। ठीक है, ये कहां मिला तो एफ पर। अब आप जानते हो क्लास 8 में आप पढ़े हैं कि ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी में कि एक्सटीरियर एंगल यू नो दैट
पोस्टीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसको आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी, ऐसे इसको क्लास 9 में भी हम लोग पढ़ेंगे इसका थ्योरम। ये एक थ्योरम है, तो इसको अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ट्रायंगल में जिस समय हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप केवल इसका यूज कीजिए कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां पर ए ई एफ हेयर ट्रायंगल ए ई एफ इज फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग ईसी, इसी को यदि हम प्रोड्यूस करते हैं तो ए ई एफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। सो एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई सी और एंगल बी एफ सी बराबर 105 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। नाउ एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी सी ई। नाउ एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल DCE because BA parallel DC and angle and corresponding angle से इसलिए ये पैरेलल बीसी है। हेंस एंगल बीसीए बीएफसी इक्वल टू एक्स डिग्री, सो एक्स बराबर 130 डिग्री आंसर। कुछ नहीं करना है, इसको फर्दर प्रोड्यूस कर दिए। अब फर्दर प्रोड्यूस करने पर यहां जो एंगल बना ये इसका और इसका सम हो जाएगा, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 130 डिग्री। और ये लाइन पैरेलल इसके है, तो ये 130 तो ये भी 130 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है इसके, ये 130 समझ गए इसको कि नहीं। इस तरह से हम बना देंगे, तो किसी भी सवाल को एकदम इजी वे में बनाना है। अब इसमें एक एक्सरसाइज का सवाल बतला रहे हैं। एक्सरसाइज का एक सवाल है, एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 15।
ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन गिवन फिगर, गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट एंगल बी ए माइनस एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल ए ई सी, उसको कैसे बनाएंगे? एंगल बी ए ई, यहां देखिए बी ए ई माइनस ई सी डी इक्वल टू ए ई सी के, ठीक है। ये एंगल बी ए माइनस ई सी डी, मतलब इस एंगल, यहां प्रूफ क्या करना है कि एंगल वन एंगल टू और इसको एंगल थ्री कर दे, तो हमको प्रूफ करना है और एंगल वन माइनस एंगल टू बराबर एंगल थ्री, यही प्रूफ करना है। क्लियर, समझ गए? ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है और एंगल वन माइनस एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री हमको प्रूफ करना है। जैसे इसमें किए थे उसी तरह का फिगर है वो भी, वैसा ही काम उसमें भी करेंगे। अब इसके प्रूफ में क्या करेंगे? प्रोड्यूस ई ए विच मीट्स सी डी एट एफ, यहां एफ पर मिला, ठीक है। नाउ ट्रायंगल एफ ई सी इज फॉर्म्ड, हेयर एंगल टू प्लस एंगल थ्री बराबर एंगल फोर, बिकॉज एंगल फोर इज एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल टू एंड एंगल थ्री आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन ए ट्रायंगल। जैसा आप जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो यहां पर जो ये ट्रायंगल बना एफ ई सी, इसमें एंगल टू प्लस एंगल थ्री बराबर एंगल फोर के हो जाएगा, होगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब नाउ, नाउ ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, सो एंगल फोर इक्वल टू एंगल वन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, होगा कि नहीं? अब नाउ ये इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल वन, बिकॉज एंगल फोर बराबर एंगल वन, एंगल टू को इधर ले आइए,
एंगल थ्री बराबर एंगल वन माइनस एंगल टू, और एंगल थ्री को हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल बी ए ई माइनस एंगल सी डी ई, चाहे ई सी डी, ई सी डी देख रहे हैं। इस तरह से एकदम इजी वे में आप इसको बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बतलाते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 60 RS अग्रवाल का है, RS अग्रवाल। अब यहां पर क्वेश्चन है, ए बी पैरेलल सी डी, ये एफ है, ये क्यू है, क्यू डिग्री, ये पी डिग्री और ये आर डिग्री, जी डी। यहां क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी पैरेलल, यहां पर देखिए गिवन में है ए बी पैरेलल सी डी, ये गिवन है, तो प्रूफ दैट एंगल पी प्लस क्यू माइनस आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू माइनस एंगल आर बराबर 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। अब यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन, ये पैरेलल इसके है और हमने इसको भी पैरेलल ड्रॉ कर दिया, एफ एफ एक्स कंस्ट्रक्शन हमने किया, ड्रॉ एफ एक्स पैरेलल सी डी और ए बी, चूंकि सी डी पैरेलल ए बी के है तो सी डी के पैरेलल ड्रॉ करे तभी वह ए बी के पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल ड्रॉ करे तभी सी डी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि प्रूफ में क्या लिखेंगे कि एफ एक्स एफ एक्स एफ पैरेलल सी जी, चाहे सी डी, बाय कंस्ट्रक्शन सो एंगल एक्स एफ जी इक्वल टू एंगल एफ जी डी इक्वल टू आर डिग्री अल्टरनेट एंगल्स होगा, अब अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल ई एफ जी इक्वल टू क्यू डिग्री एंड
एंगल एक्स एफ जी इक्वल टू आर डिग्री। सो एंगल एक्स एफ ई इक्वल टू क्यू डिग्री माइनस आर डिग्री, ये हो जाएगा कि नहीं? ये आर है तो ये इतना आर के बराबर हो गया, अल्टरनेट एंगल इक्वल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल इसलिए हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये आर, तो ये पूरा हमारा क्यू था, तो ये इतना, ये हो जाएगा क्यू माइनस आर डिग्री। अब एस एफ, नाउ एक्स एफ पैरेलल ए बी ऑल्सो, बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी के, सो एंगल ए एफ प्लस एंगल एक्स एफ ई इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस एंगल ए एफ को कहेंगे क्यू डिग्री प्लस क्यू डिग्री माइनस आर डिग्री बराबर 180 डिग्री, बिकॉज एंगल एक्स एफ ई बराबर क्यू डिग्री माइनस आर डिग्री। देख लीजिए, तो इस तरह से आप लोग इसके लेसन का पैरेलल लाइंस हो गया। अब यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा हमसे, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल और उसके पार्ट, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, फिर थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रायंगल्स का बेसिक नॉलेज होगा, जिसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और इस थ्योरम के बारे में भी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं ट्रायंगल का, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कुम सेंटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब उस समय पढ़ेंगे। ओके।